किसी ऋषि मुनि से या नारद मुनि से उनका जो है बहस होती है तो वो पूछते हैं। तो एक ही सवाल जो है जो रत्नाकर डाकू जो था उसको चेंज करता है, वो पूछते हैं अभी तुम किसके लिए कर रहे हो, ये जो है तुम लोगों को मारते पीटते उनको लूटते हो। उसने कहा मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, परिवार का भरण पोषण करने के लिए करता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि इसके जो पाप मिलेंगे, जो पाप कर्मों को जो दंड भुगतना होगा, तो क्या तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ भुगतेंगे? तो उसने कहा बिल्कुल भुगतेंगे। उसने कहा नहीं, जाकर ये एक बार पूछ लो। तो जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा सबने कि हम क्यों भुगतेंगे जी, ये तो आपका काम है परिवार का भरण पोषण करना, परंतु यदि आप गलत करते हो तो उसका दंड उसका जो है बाद में या इसी जन्म में या बाद में जो कहा जाता है आप भुगतेंगे। और उसके बाद ही वो कहते हैं रत्नाकर डाकू जो है उसका पूरा जीवन बदल गया। और ये भी मैं कहता हूं इसी भारत की एक खासियत है कि एक डकैत किस प्रकार से आज हम उनके यहां पर जो है उसकी मूर्ति उनकी फोटो लगाकर आज उनको हम पूज रहे हैं और महर्षि वाल्मीकि के तौर पर उनको जानते हैं। और जो मैंने फिर कहा कि जो हमारे जीवन के जो छुए पहलू हैं उनको प्रभावित करते हैं, ये देखने की बात है। इससे जो आज हम आपसे इकट्ठे होते हैं ऐसे हम पर्व मनाते हैं, ये राष्ट्रीय पर्व है। आपको पता होना चाहिए यदि हम अपने धर्मों को साइड में रख दें, खासतौर पर जो लोग सरकारी सेवा में आते हैं, हम सबका अपना एक आइडेंटिटी है, एक व्यक्तिगत पहचान है, हम सबका अपना एक धर्म है। उस धर्म को निश्चित तौर पर जब आप अपने घर में होते हैं, अपने जो दोस्तों में रिश्तेदारों में होते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें उस धर्म को हमारे संविधान ने आजादी दी है कि हम अपने धर्म की पालना करें, उसकी इच्छाइयों को समझें। और सभी धर्म खासतौर पर भारत में तो क्योंकि सभी धर्म है, हमें एक धर्म निरपेक्ष देखें, तो यहाँ सभी धर्म हमें ये सिखाते हैं कि अल्टीमेटली जो हमारा भगवान, हमारा खुदा, हमारा वाहेगुरु, वो एक ही है। सभी धर्म ये बोलते हैं, उसको हमने क्योंकि वो हमारा पालन है रहे, उसको हमने अपने अपने भाषा के हिसाब से अपने अपने नाम दे दिए। सो